दोस्तों, जय माँ गंगे, हर हर गंगे, गंगा मैया की जय। तो दोस्तों, आज 2 नवंबर 2021 दिन मंगलवार, और आप देख रहे हैं हर की पौड़ी का आज का ताज़ा नज़ारा, ताज़ा तस्वीर के साथ आप माँ गंगा के दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों, खुशी की बात यह है कि जल छोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं, यह है महिला घाट। श्रद्धालु कम हैं और आप देख सकते हैं जल छोड़ दिया गया है। ये देखिए, ये देख सकते हैं दोस्तों आप। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो जल बहुत कम था। तो देखिए आप, जल पेड़े तक पहुंच चुका है। ये देखिए आप, आज का ताज़ा काफ़ी खूबसूरत दृश्य। और आपको ले चलते हैं दूसरी तरफ, दिखाते हैं वहाँ पे कितना जल है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप हरिद्वार की यात्रा पे आ रहे हैं और माँ गंगा के आप दर्शन करना चाहते हैं, गंगा जल आप भरकर अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं। आप कुछ चेकिंग नहीं हो रही है, आप आ सकते हैं, माँ गंगा में स्नान कर सकते हैं। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, और जल यहाँ तक भी आज काफ़ी है। ये देखिए आप, ये देखिए आप, और सामने आप देख सकते हैं रेत, जो रेत पूरी गंगा जी पर आपको पूरी रेती रेत दिखाई दे रही थी, अब आप देख सकते हैं बीच में रह गई है रेत, बाकी चारों तरफ से, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी जल आ रहा है। ये देख सकते हैं आप, जल छोड़ा गया है और कल और जल छोड़ा जाएगा, और दीपावली के दिन तो फिर थोड़ा बहुत और जल छोड़ा जाएगा। तो इस तरफ काफ़ी सारे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। ये देखिए आप, इस तरफ जल थोड़ा कम है और श्रद्धालु माँ गंगा के बीच में स्नान कर रहे हैं। ये देखिए आप, तो मैं आपको दिखाता हूँ ब्रह्मकुंड का दृश्य, जहाँ पर रेत का टीला और रेती रेत दिखाई दे रही थी। तो देखते हैं इस समय क्या स्थिति है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और आप देख सकते हैं, इतने ही श्रद्धालु आज पहुँचे हुए हैं, और आप सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपको ले चलता हूँ ब्रह्मकुंड के सामने, और आप दिखाता हूँ मैं कितना जल है। ये देखिए, इस घाट पर काफ़ी सारे तीर्थ यात्री दिखाई दे रहे हैं। और देखिए आप, मंदिर का काम भी चल रहा है, और आपको आप देख सकते हैं रेत कम दिखाई दे रही है क्योंकि जल छोड़ दिया गया है। और यहाँ पे पूजा पाठ करवाते हुए, ये देखिए आप, तो आप जल देख सकते हैं कितना जल है। ये देखिए आप, तो आप यहाँ भी स्नान कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट, कमेंट आया था कि अब हम स्नान कहाँ करें। तो आप दोस्तों मेरी वीडियो देख लिया करो, मैं हर दिन माँ गंगा के दर्शन करवाता हूँ। तो आप देख सकते हैं इतना जल है अभी यहाँ पे, कमर तक का जल कह सकते हैं। तो देखिए आप, कमर तक का पूरा जल है। तो देखिए आप, ये देखिए, क्योंकि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो यहाँ पे पूरी रेती रेत दिखाई दे रही थी, वो भी आदि गंगा जी तक। और आज आप देख सकते हैं, और कल और जल छोड़ा जाएगा, तो आप आ सकते हैं, आपका स्वागत है हरिद्वार में, वेलकम टू हरिद्वार। और इस घाट पर काफ़ी सारे श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सारे श्रद्धालु तीर्थ यात्री पहुँचे हुए हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ नाई घाट का दृश्य, तो आप यहाँ से देख सकते हैं नाई घाट में काफ़ी सारे श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। तो आपको ले चलता हूँ मैं आगे और दिखाता हूँ मैं इस तरफ,
तो ये देखिए आप, इस तरफ भी आप जल देख सकते हैं, क्योंकि बीच में यहाँ पे काफ़ी सारे पत्थर दिखाई दे रहे थे, नुकीले पत्थर, गोल मटोल पत्थर। और आप आज की ताज़ा तस्वीर देख सकते हैं, तो श्रद्धालु गंगा जल भर रहे हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ नाई घाट की तरफ। और ये देखिए आप, तीर्थयात्री आराम कर रहे हैं। तो आप आ सकते हैं हरिद्वार में, अगर आप होटल या धर्मशाला नहीं ले सकते हैं तो आप यहाँ पर भी आराम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह है नाई घाट का दृश्य, ये देखिए आप। और आपको ले चलता हूँ मैं इस तरफ। ये देखिए आप, और जल का आप बहाव देख सकते हैं, बहाव आज तेज है इस तरफ। तो दोस्तों यह है आज का दृश्य, ताज़ा तस्वीर। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ गंगे, हर हर गंगे, गंगा मैया की जय।